हाँ, मेरा नाम प्रदीप यादव है। मैं प्रकाश डायकेम को रिप्रेजेंट करता हूँ उदयपुर में, जो कि क्लीनिंग हाइजीन और प्रोडक्ट डील करती है। और करीबन 2011 से वो इस मार्केट में है और 2011 से मैं इस कंपनी में हूँ। मैं इस प्रोफेशन में करीबन 8 साल से जुड़ा हूँ। स्टार्टिंग मैंने जब ज्वाइन किया था तो एज ए कैरी बॉय स्टार्ट किया था, बिकॉज मुझे इस प्रोडक्ट का इनका लाइन का नॉलेज नहीं था। जब मैंने प्रोडक्ट को नॉलेज लिया, धीरे धीरे मेरा एक्सपीरियंस काउंट हुआ एंड एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि मुझे इस प्रोडक्ट का जब फ्रेंडली हुआ तो मैंने प्रोडक्ट कन्वर्स करना स्टार्ट कर दिया। उससे क्या हुआ, मेरे को कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ और एट प्रेजेंट मैं इस कंपनी का सेल्स मैनेजर हूँ, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट नॉलेज की वजह से ये पोजीशन मिली है। जैसा कि मैं बताया था, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे नॉलेज नहीं था बिल्कुल भी प्रोडक्ट का, तो वर्किंग स्टार्ट की थी एज ए कैरी बॉय। बिकॉज अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको वर्किंग इसी तरह करनी पड़ेगी जैसे मैंने स्टार्ट किया था। बट जैसे वर्किंग स्टार्ट की तो कॉन्फिडेंस आया और हार्ड टाइम वही था मेरा जो कि मैं फेस किया। उसके बाद मुझे लगा कि अगर ऐसे लाइफ यही चलानी है तो इसी में लगे रहो, आगे बढ़ना है तो आपको यू हैव टू लर्न समथिंग एल्स, बिकॉज आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक्सपीरियंस मस्ट बी काउंट। तो एक्सपीरियंस लिया, प्लस मेरे को सपोर्टिंग काफ़ी अच्छा हुआ कंपनी से, बहुत से, तो आज इस लेवल पर मुझे पहुँचाया और आज मैं कंपनी को मैं अच्छे लेवल पर। मेरा मोटिव तो यही है, नेवर गिव अप, क्योंकि ये मेरा जो मुझे मिलता है मेरे बॉस से मिलता है, उनका नाम प्रदीप गुप्ता है। बिकॉज हाँ, मैंने उनको जब ज्वाइन किया जब से और अभी तक नोटिस किया है, उन्होंने कभी किसी चीज़ में हार नहीं मानी, कि मेरा प्लस वही था। अगर वो हार नहीं मानते तो, और मेरा बैक सपोर्ट वही है, एवरी टाइम ही इज़ बैंड मी, उनके पीछे होते हुए मैंने हमेशा आगे बढ़ा है। तो मेरा मेन मोटिव वही है, नेवर गिव अप। और मेरे सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरी मदर और मेरे बॉस है। बॉस मेरे इसलिए बिकॉज उन्होंने मेरे को इस लाइन में मुझे आगे बढ़ाया और इस पोजिशन पहुँचाया। इस इंडस्ट्री में आने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माइंड सेट होना चाहिए, बिकॉज ये इंडस्ट्री आपको क्लियर करती है कि आपको क्लीन एंड हाइजीन में डील करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लीन, आपको ग्रूमिंग एंड आपको प्रोडक्ट फ्रेंडली ये सब होना पड़ेगा, तभी इस लाइन में आ सकते हो। इस कंपनी में इवन इस लाइन में काफ़ी ग्रोथ है। आपने जो देख रहे हो अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, क्लीनिंग हाइजीन का मेन वही चल रहा है। आप क्लीनिंग हाइजीन रखोगे तभी आप सेफ रह पाओगे। इस लाइन का वही है कि आप नॉलेज अच्छा होना चाहिए और ग्रोइंग कंपनी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। हाँ, इस इंडस्ट्री के लिए आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, प्रोडक्ट फ्रेंडली होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं एजुकेशन मैटर करती है। बिकॉज आप अगर आपको नॉलेज होगा अच्छा होगा तो आप इजीली बहुत अच्छा चीज़ों को कैच कर पाओगे, जो कि इस इंडस्ट्री बिलोंग करता है, चीज इस इंडस्ट्री बिलोंग करती है। मैं एक्चुअली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे सपने तो बड़े थे नहीं स्टार्टिंग से, बट एट प्रेजेंट मैं जहाँ हूँ तो मुझे लगता है कि अगर पीछे भी जाना पड़े तो हो सकता है मुझे इसी पोजिशन पर चाहिए मेरे को, और मैं इस पोजिशन में बहुत आगे बढ़ सकता हूँ और अभी भी अच्छी पोजिशन पर हूँ। बिकॉज कोई सपने थे नहीं, बट सबसे ज़्यादा मुझे मेरे एक्सपीरियंस से मुझे यहाँ पहुँचा हूँ तो मेरे को ये अच्छा है मेरे लिए। मेरे को पीछे जाऊँगा तो मेरे को यही चाहिए। बचपन मेरा उदयपुर में ही है। अभी का जनरेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है मेरे बचपन से। अभी आप बचपन मेरे को लेते हैं तो मेरा जो बचपन निकला है, माँ बाप ने डांटा भी, मारा भी, सब कुछ किया, उसके बावजूद मैं माँ बाप की रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज उनके डांट और वो उसी समय आज संभल के चला हूँ, मेरे को उस लाइन से भटका नहीं कभी भी। तो मेरा वो था कि बचपन की माँ बाप की डांट ने मुझे संभाल रखा और मैं भी अच्छी लाइन पे हूँ, और कोई गलत संगति नहीं है इसमें। एजुकेशन लाइफ में वो पार्ट है कि जिसको आप चाह के भी हटा नहीं सकते, लाइफ का वो हिस्सा हो जाती है जिसको आप कोई हटा नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो। आप किसी कंपनी ज्वाइन करते हैं लेकिन आपकी परफॉर्मेंस आपको डिसाइड करती है, आपको रखना नहीं रहता है। बट एजुकेशन पार्ट ऐसा है ना, अगर आपने अच्छी एजुकेशन ली है तो आप वो कभी आपको ना तो रिमार्क्स निकाल सकता है ना कुछ निकाल सकता है। तो एजुकेशन का लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट है। सेकंड, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन। अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपको वो आदमी बनाएगी, इवन आपको अच्छा एम्प्लॉय बनाएगी, अच्छा ओनर बनाएगी। जब भी टाइम मिलता है तो मेरा मोटो ही रहता है कि मेरे मदर फादर के साथ टाइम स्पेंड करें, उनको आउट ऑफ उदयपुर या फिर ऐसे प्लेस पर ले जाया जाए, उनको अच्छा लगे। उसके साथ साथ मेरा फ्रेंड्स के साथ मेरा अच्छा रहता है कि मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है। क्रिकेट का मेरा शौक है, इनमें मेरा बहुत अच्छी हॉबी है क्रिकेट, और सिंग म्यूजिक तो मेरा वाला सही। मैं प्रकाश जायकेम को रिप्रेजेंट करता हूँ। प्रकाश जायकेम क्लीनिंग केमिकल्स, मशीनरी, टूल्स, एमेनिटीज, टिश्यू पेपर एंड गार्बेज बैग्स सभी डील करती है, जो कि एक क्लीनिंग में सबका काम आता है। जैसे बताया कि मैं प्रकाश जायकेम को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो प्रकाश जायकेम एट प्रेजेंट 10 कंपनीज के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स है,
जिसमें बुजुल नजारी जो केमिकल में डील करती है, जो हाउसकीपिंग लॉन्ड्री किचन केमिकल्स होते हैं, एंड पदम जी गिनलैंड जो टिश्यू पेपर में ऑर्डरेंस होती है, मेरे पास प्रीमियर प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके क्लिंग फिल्म फॉइल जो डोमेस्टिक वर्पज से काफ़ी यूज होते हैं, एमिनिटीज होगी जो आपकी शैम्पू शावर जल ये वो प्रोडक्ट होते हैं, मशीनरी मशीन में डोमेस्टिक लेवल से आप हाई क्लीनिंग तक मशीन क्लीन करते हैं लाइक वैक्यूम क्लीनर सिंगल डिस कार्पेट क्लीनिंग मशीन होती है उसमें डील करते हैं, डेली से क्लीनिंग होती है ऑफिस होटल्स हाउस क्लीनिंग से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स होते हैं हम उसमें डील करते हैं। और इन इस रिगार्डिंग आपको अगर क्वेरी हो या फिर आपको कुछ सजेशन हो या फिर आपके कुछ इशू हैं जो क्लीनिंग से रिलेटेड हो उस रिगार्डिंग आप मेरे को कॉल मैसेज और व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मेरा मोबाइल नंबर है 9672669900। और मेरा मैसेज यही है कि जो वाला मोटो है मेरा नेवर गिव अप, लाइफ में कभी हार नहीं मानना है, और लाइफ बहुत बड़ी है, हमें सीखना है और एक्सपीरियंस काउंट करना है आपको लाइफ में। ये मेरा मैसेज है आपके लिए, सभी के लिए।